एक ऐसी जबरदस्त स्किन केयर जो आप घर पे कर सकते हैं, चावल और चावल के ऊपर शहद। अरे भाई ये क्या, आज से पहले तो कभी नहीं देखा था। चावल के ऊपर शहद भी डल सकता है क्या? भाई डल तो रहा है, क्या हो रहा है चलिए आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। पिछला थैंक्स जाता है करिश्मा जी को उत्तर प्रदेश से और रोहन जी को नागपुर से। आपने देखा एक कटोरी में हमने कुछ चावल लिए हैं, एकदम ताज़े चावल, बासमती चावल, और इन चावलों को डाल दिया है मिक्सी के जार में, जहाँ अब हम इसे पीसने वाले हैं। तो चलिए सारा का सारा जाएगा मिक्सी के जार में और ये पीस दिया जाएगा। पीसने के बाद इसका एक सफ़ेद पाउडर मिल जाएगा हमें कुछ इस तरीके से। इस सफ़ेद पाउडर को फटाफट एक कटोरी और एक छलनी के ऊपर निकाल लीजिए, जहाँ पे ये छलनी छल जाएगी। चलिए भैया छान लेते हैं। और जैसे ही आप इसे छान लेंगे, आपको इसको ऐसे ऐसे घुमाना है ताकि इसका एकदम मुहिम पाउडर हमें मिल सके इस कटोरी में। एकदम मुहिम, एकदम नरम, एकदम छोटा छोटा पाउडर हमें मिल जाना चाहिए। ये छोटा छोटा पाउडर अब आपके काम आने वाला है। क्या कीजिए, एक चम्मच भी ऊपर घुमा लीजिए, ताकि थोड़ा बहुत मोटा रह गया होगा उसमें से छोटा छोटा निकल जाएगा। अब ये जो चावल हमें मिला है कटोरी में, नीचे आप जो देख पा रहे हैं, इस चावल को क्या करना है आपको यही सोच रहे हैं ना? अरे बिल्कुल भी मत सोचिए, मैं बताता हूँ। आइए, ये जो चावल है एकदम फाइन चावल मिल गया है आपको। ये चावल आपको बताता हूँ बहुत शक्तिशाली और बहुत बढ़िया चीज़ है। इस चावल के अंदर आप क्या कीजिए, थोड़ा सा डाल दीजिए शहद को, क्योंकि शहद हमने आपको दिखाई थी शुरू में जो चावलों के ऊपर डाली जा रही थी, तो आप शहद को डाल दीजिए। शहद को डालने के बाद इसको अच्छे से घुमा दीजिए। शहद और चावल का जो मेल है वो पुरानी टाइम से, बहुत पुराने टाइम से काफ़ी शक्तिशाली माना गया है, और ये बहुत ही अच्छा मिश्रण, ताकतवर मिश्रण बन के तैयार होता है। अब इसमें डालेंगे लगभग एक चम्मच के आसपास दही, काफ़ी है। थोड़ा सा आपको लगे ज़रूरत है तो और डाल के इसका एक पेस्ट बनाइएगा कुछ इस तरीके का। अब ये चावल की इजी बढ़िया हम आज नाइट क्रीम बना रहे हैं। अभी नाइट क्रीम तैयार नहीं हुई है, इसे कुछ जगह जगह जैपनीज या कोरियन क्रीम भी कहा जाता है। इसमें शहद डल चुका है, इसमें दही डल चुकी है। इसमें अब आपको चावलों में दो चीज़ और डालनी है जो आपके घर पे हर वक्त अवेलेबल होती है, कहीं बाहर नहीं जाना, और ये नाइट क्रीम को और असरदार बनाएगी। सबसे पहले तो हमने इसमें डालना है गुलाब जल, और गुलाब जल के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, क्या क्या आप बताइए फटाफट क्या हो सकता है वो। गुलाब जल के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल, क्योंकि नारियल स्किन के लिए हमेशा अच्छा ही माना गया है, और उसका तेल तो बहुत ही अच्छा माना गया है। लेकिन उसमें एक चीज़ और डालेगी, वो क्या होगी बताता हूँ। सबसे पहले हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नारियल का तेल, जो आपके घर पे उपलब्ध हो, जो आप सर पे लगाते हों या फिर कहीं भी किचन में इस्तेमाल करते हों, आपकी जैसा भी नारियल तेल आपके पास पड़ा हो वो निकाल के इसमें डालिए। तुम्हारे पास पैराशूट का रखा है तो हमने वही डाल दिया। नारियल का तेल कितना डालना है, लगभग डेढ़ चम्मच के आसपास, ज़्यादा नहीं डालना। अब ये जो नारियल का तेल डल गया है, ये नारियल का तेल बहुत ही बढ़िया इसको और शक्तिशाली बना देगा नाइट क्रीम को। और साथ ही में मैं इसमें थोड़ा सा बॉडी लोशन और डालूँगा। जो बॉडी लोशन है ना दोस्तों, वो इसको और ज़्यादा रात के लिए खुशबू देता है, एक एब्जॉर्ब इजीली हो जाता है, मॉइस्चराइज करता है स्किन को, इसीलिए उसका नाम मॉइस्चराइज़र भी है। ये मॉइस्चराइज़र डल के ये बहुत ही बढ़िया नाइट क्रीम तैयार हो गई है। अप्लाई कीजिए, आपको इतना सॉफ्ट सॉफ्ट एहसास होगा, ऐसे लगेगा कि स्किन में कुछ नयापन आ गया है, स्मूथ हो गई है, एकदम मॉइस्चराइज हो चुकी है, रूखापन ख़त्म हो जाता है इससे। आप इसे एड़ियों पे भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, आप इसे हाथ पे, हथेलियों पे भी लगा सकते हैं, चेहरे पे भी लगा सकते हैं, और कहीं भी आपको मन करे शरीर पे आप लगा सकते हैं, एकदम सेफ है। तो ये हमारी नाइट क्रीम तैयार है, आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ये नाइट क्रीम बहुत ही अच्छे, एकदम शाइनी इस अपने आपके हाथ को बना देगी। आप वॉश करके इसको रख के सो जा सकते हैं और फिर अपना आपको ये अच्छा सा एहसास देगी। तो नाइट क्रीम दोस्तों बनके तैयार है, और ये क्लीन करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखती है ना दोस्तों असरदार। तो ठीक है दोस्तों, हम बढ़ लेते हैं आगे अपनी अगली टिप पे। एक ऐसी ज़बरदस्त स्किन केयर जो आप घर पे कर सकते हैं, और घर पे कर नहीं सकते, करनी सभी को चाहिए,
ये स्किन केयर मुफ्त जैसे दामों में हो जाती है, महंगे महंगे पार्लर्स में जाने की जरूरत नहीं, और निखार ऐसा जबरदस्त जिसे देख के आप कहें भाई वाह, ऐसा फील हो रहा है जैसे एकदम सॉफ्ट स्किन, बच्चे जैसे स्किन हो गई है। कैसे किया ये सब आपको आइए बताते हैं, लेकिन उससे पहले दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। पिछला थैंक्स जाता है सौम्या जी को कानपुर से और उमेश पाल जी को रायपुर से। आपने देखा एक कटोरी में हमने लगभग 2 चम्मच के आसपास बेसन लिया और आधा चम्मच के आसपास हमने हल्दी ली। इसको आप मिक्स कर दीजिए। ये खास एक ऐसी स्किन केयर है जो आपके स्किन को रीजनरेट करती है जड़ से, एक नयापन देती है, एक ऐसा देती है कि आपका स्किन का रिपेयरिंग हो रही हो। हल्की थोड़ी शहद डाल दीजिए, शहद से आप देखेंगे आपके स्किन केयर में काफ़ी ज़्यादा असर आता है। तो शहद को डाल दीजिए बेसन के ऊपर और ये जो हल्दी आपने मिक्स करके डाली और शहद के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये जब पूरा का पूरा आपका मिक्स होता चला जाएगा ना दोस्तों, तो मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको ये एक खास मिश्रण बनेगा जिसमें आपको ऐड करना होगा दही को। दही आपको डालनी है लगभग 1.5 चम्मच के आसपास और इस पूरे को आप मिक्स करते चले जाएँ। ये जब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना तो बहुत असरदार बन के तैयार होता है ये मिश्रण। ये जो स्किन केयर रेमेडी है दोस्तों, ये पुराने ज़माने से मेरे घर पे इस्तेमाल की जा रही है और मेरी दादी माँ का कहना था कि बेटा मेरे तो इसको इस्तेमाल करके काफ़ी स्किन में एक नयापन, एक रिजुनेशन, एक ऐसा फील हुआ कि झुरियाँ काफ़ी डिले हुई। तो मैंने अपनी दादी माँ से जब भी इसका टिप पूछी है तो वो मुझे बताती हैं डिटेल में और मैंने आप सबसे शेयर करने की कोशिश करी। इसमें थोड़ा नींबू डाला है, दही और नींबू जो है ना दोस्तों वो फटते हैं आपस में, फटने की वजह से उनमें एक फर्मेंटेशन होता है जो स्किन के ऊपर एक नयापन लाता है, एक रिपेयरिंग लाता है। वो फर्मेंटेशन स्किन के लिए कहते हैं बढ़िया चीज़ होती है। उससे दही, दादी माँ कहती थी कि नींबू के साथ दही जब फटती है तो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा एक उसके लिए एसेंस छोड़ती है। थोड़ा सा गुलाब जल और डाला है इसमें और ये एक अच्छा पेस्ट बन के तैयार हुआ है। अब इसी पेस्ट में हम डालेंगे थोड़ा टमाटर का रस। टमाटर का रस क्यों डालेंगे, क्योंकि टमाटर का रस में जो क्षमता है ना दोस्तों स्किन को रिपेयर करने की, शायद ही किसी चीज़ में हो। टमाटर का रस बहुत अच्छा होता है और साथ ही में आधा चम्मच चीनी डाली है। टमाटर का जो रस है ना दोस्तों वो चीनी के साथ मिलके घुल जाता है और जब ये दोनों घुलते हैं ना तो चीनी में एक गाढ़ापन होता है और टमाटर में एक खट्टापन होता है जो मिल के पेस्ट को और स्ट्रेंथ देता है और स्टेबिलिटी देता है। स्टेबलाइज करने की वजह से ये मिश्रण जो है एक चेहरे पे नया ग्लो लाता है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला था टमाटर भी इसमें डालना होगा तो टमाटर को उठा के काट लेते हैं और टमाटर को काटने के बाद उसका रस इसमें डालेंगे और फिर अब जब हम मसाज करेंगे इसकी तो वो भी एक यूनिक तरीका है हमारे पास मसाज करने का। कैसे मसाज की जाएगी, सबसे पहले टमाटर का रस निकालिए इसमें और इसको चम्मच से घुमाते हैं। ये बीज थोड़ा थोड़ा स्क्रबर का भी काम करेंगे तो बीज जाने दीजिए, टमाटर की खटास जाने दीजिए, अच्छे से मिक्स करिए और मिक्स करने के बाद ये जो मिश्रण आपने बना के तैयार किया है कटोरी के अंदर, इस मिश्रण को टमाटर के ऊपर ही लगा डालिए। ये जो टमाटर है बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। अब दोस्तों आगे क्या क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ कभी से लगाएं, लेकिन उससे पहले ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों ये और असरदार करने के लिए हम क्या करते हैं, रात को सोने से पहले इसको लगाएँ और रब करें और सुबह एक चेहरे को नई एक निखार मिलता है। इसको अच्छे से लगाएं, रब करें, वॉश करके सो जाएं। जैसे नाइट का समय है और वाइफ इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हैं, रब कर रही हैं। इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद और रब करने के बाद इतना आसान और इतना बढ़िया मिश्रण बन के तैयार हो जाता है। बस आज इस पूरे को आप अच्छे से घुमा लीजिए और जैसे ही ये घूमना शुरू हो जाए आप इसको सर्कुलर फॉर्म में घुमाइएगा दोस्तों। सर्कुलर फॉर्म में इसका बहुत ही अच्छा निखार आता है और उसके बाद इसको आप चाहें तो बाजू पे भी लगा सकते हैं, कोनियों पे भी लगा सकते हैं। ये शरीर के बहुत ही असरदार बनके तैयार होता है। आशा करता हूं दोस्तों ये किचन का आपको स्किन केयर रेमेडी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मैं चलता हूं, मैं फिर से लौट के आऊँगा आपके लिए कुछ नया लेके। तब तक के लिए दोस्तों आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी स्किन केयर की और दोस्तों आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी बता दीजिएगा। मैं चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।